और अब चलते हैं सीधे होटल फेयरमाउंट, जहां हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वही होटल है जहां पर गहलोत गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। जैसलमेर से आज सुबह आने के बाद सीधे होटल फेयरमाउंट उन्हें ले जाया गया था। तो सीधे चलते हैं होटल फेयरमाउंट, जहां हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरह से सुबह इनको विधायकों को लाया गया और ये माना जा रहा था कि ये जो बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, अब आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल सुधांशु, 13 दिन जैसलमेर में रहने के बाद आज कांग्रेस और उनके समर्थित जो तमाम एमएलए हैं वो आज जयपुर पहुंच गए हैं। मेरे पीछे ये आप होटल फेयरमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, उनको आज फिर यहाँ पर लाया गया है विधानसभा सत्र को लेकर, एहतियात के तौर पे कहें या फिर आगामी जो रणनीति है उसको लेकर। देखिए, पहले भी 20 दिन यहाँ पर विधायक रह के गए हैं, लेकिन अब कुछ स्थितियां बदल गई हैं, संकट है वो टल गया है पूरी तरह से। ये कहा जा सकता है कि जो बागी थे 19 विधायक वो भी अब पार्टी में आ गए, उनकी नाराजगी दूर हो गई है, आलाकमान के साथ उनका समझौता हो गया है तो वो पार्टी के साथ आ गए हैं, तो संकट खत्म हो गया है। लेकिन अब चूंकि विधानसभा सत्र 14 से शुरू होगा, तो एक एहतियात के तौर पे कह दें या आगामी जो रणनीति है पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसके रूप में यहाँ पर विधायकों को फिर आज जैसलमेर से यहाँ पर लाया गया है। यहीं पर इन विधायकों को एकजुट और संगठित रहने के लिए रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 19 जो विधायक आलाकमान से समझौते के बाद जयपुर आ गए थे सचिन पायलट के साथ, वो अभी तक यहाँ पर इस होटल में नहीं आए हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो आज जयपुर आएंगे और कल विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अभी तक उसका समय तय नहीं है कब होगी और कहां पर होगी, सीएमआर में होगी या इसी होटल फेयरमाउंट में होगी, अभी तक ये तय नहीं है। लेकिन माना यही जा रहा है कि कल ये विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन जो ऑब्जर्वर की भूमिका में यहाँ आए हैं, प्रभारी अविनाश पांडे वो हैं यहीं पर हैं होटल में, और वेणुगोपाल भी आज आ जाएंगे, तो तमाम नेता भी इस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और दोनों गुटों के विधायक जो विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, नाराजगी की कल जिस तरह की खबरें आई कि जैसलमेर में कुछ विधायकों ने विधायक दल की जब बैठक हुई तो उसमें नाराजगी प्रकट की कि 1 महीने हम होटल में रहे, जिस तरह से हमारे क्षेत्र की जनता है उसको छोड़कर लोकतंत्र को बचाने में भूमिका निभाई, जिस तरह के प्रयास किए गए, कांग्रेस के विधायक छोड़कर चले गए, लेकिन आलाकमान की ओर से जो समझौता किया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही गई है, वो कमेटी 19 विधायकों की क्यों सुने, तमाम विधायकों की क्यों नहीं सुनी जाने की बात कही जा रही है कि तमाम विधायकों की बात सुनेगी, 19 विधायकों की क्यों सुनने की बात आ रही है, तो ये इस बात को लेकर उनकी नाराजगी है कि 1 महीने तक हम होटल में रहे और आलाकमान को समझौता ही करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया। कुछ विधायकों ने इस तरह की नाराजगी जाहिर की, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उन्हें समझाइश की गई, लेकिन आज जब मीडिया से बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी नाराजगी जायज है, 1 महीने होटल में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आलाकमान तक ये मैसेज दिया गया है कि तमाम विधायकों की बात सुनी जाए 19 की बजाय। तो आज संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी आ रहे हैं और आलाकमान को मैसेज भी दिया जा रहा है, लेकिन जब हमारी और प्रभारी अविनाश पांडे हो या मुख्य सचेतक महेश जोशी हो, उनसे बातचीत हुई तो सभी ने यह स्वीकार किया कि आलाकमान ने जो निर्णय लिया है, जो समझौता है, वो सभी को स्वीकार है। लेकिन कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें सभी, कांग्रेस के पास 125 विधायकों का समर्थन है सरकार के पास, तो 125 विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुधांशु, बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से आपने कहा कि कल विधायक दल की बैठक होगी और निश्चित तौर पर यही माना जा रहा है कि जो गहलोत पायलट गुट के विधायक हैं वो भी कल मौजूद रहेंगे और जो गिले शिकवे हैं, जिस तरह की जो मनभेद हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं दूर होंगे, और खास तौर पर जो आपने बात की आलाकमान के निर्णय को लेकर सबने सहमति जाहिर करी, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब आने वाला समय जो है राजस्थान सरकार के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सीधे फेयरमाउंट होटल से, जहां गहलोत गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। जैसलमेर से आज सुबह ही विधायक यहां पहुंचे, उसके बाद उनको 2 दिन के लिए वहां ठहरा दिया गया और कल होगी विधायक दल की बैठक जिसमें पायलट गुट के विधायक भी शामिल होंगे और जो आने वाला सत्र विधानसभा का उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, उसके रणनीति पर बात की जा सकती है, साथ ही जो मनभेद है कहीं ना कहीं वो भी दूर हो सकते हैं।